जो कटप्पा ने बाहुबली मूवी में पहनी थी। गाइस हम निकल चुके हैं जूनागढ़ फोर्ट के लिए। देखिए बीकानेर के खूबसूरत रास्तों का मंजर। ये है सामने जूनागढ़ फोर्ट, बिल्कुल हमारे लाल किले जैसा लगता है दिल्ली के। तो गाइस ये बहुत पुराना है, इसके बारे में हम अंदर जाके पता करेंगे। कौन सा संगम बना हुआ है, बहुत बड़ा किला है। कितने साल पुराना है? 600 साल पुराना गाइस। वाओ ब्रिलियंट। ये इसका मेन गेट आ गया, अब यहाँ से हम एंट्री करेंगे। तो गाइस हम आ चुके हैं जूनागढ़ फोर्ट। तो ये गेट है, ऊपर आप देख सकते हैं ये एंट्री पॉइंट है। और पीछे हमारे क्या ही अंकल भी आ चुके हैं, इनका वेट था मैं। तो गाइस ये है एंट्री गेट। यहाँ से होती है किले की एंट्री। तो गाइस देखिए ये वही जो राजा महाराजों के टाइम से हम देखते हैं गेट बने होते हैं, कितना बड़ा गेट है ये। ये मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ, देखिए गाइस इसे बंद करने लिए भी पता है कितने आदमी चाहिए, हम इसे तो हिला भी नहीं पाएंगे। चलिए गाइस चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको किला। यहाँ पर बाहर से भी लोग आते हैं, काफ़ी फॉरनर्स देखिए गाड़ी में जा रहे हैं। तो गाइस ये है दूसरा गेट एंट्री का, और हम भी अब फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसलिए हमें ज़्यादा यहाँ पर पता नहीं है। तो गाइस ये अंदर पार्किंग शायद बनी हुई है, अंदर आएगा गणेश जी का मंदिर सबसे पहले। गणेश जी का मंदिर आएगा पहले? तो गाइस अंदर गणेश जी का मंदिर आएगा पहले और वहाँ भी हम दर्शन करेंगे। तो हमारे और कैसे बच्चों? तो हम इन्हीं का वेट कर रहे थे, अंकल जी आ चुके हैं। तो ये सामने मंदिर बना हुआ है, कितना प्यारा। गाइस देखिए यहाँ पे फॉरनर भी आते हैं और काफ़ी लोग यहाँ से घूमने आते हैं दूर दूर से। देखिए आपको चीज़ दिखाता हूँ, तोप। तो गाइस ये बहुत पुरानी तोप है, इस पर लिखा है प्लीज़ डू नॉट टच, तो इसे टच करना अलाउड नहीं है। ये हम अंदर नहीं गए, अभी बाहर ही लग रही है। तो आप देख ही सकते हैं 500-600 साल पुरानी तोप कैसी हुई। तो गाइस देखिए यहाँ पर आज जब हम आते हैं तो यहाँ पर एक टिकट देनी पड़ती है, जो यहाँ के फोर्ट के लिए टिकट अवेलेबल है। 200 रुपीज़ टिकट है यहाँ की। तो पर यहाँ पर हमारे जो अंकल है, क्या अंकल, वो आर्मी में है, तो उनके जो फ्रेंड है वो यहाँ के मतलब बहुत, वो यहाँ के बॉस हैं मान लीजिए एक तरीके के, तो वो भी आर्मी में है, तो वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री करा रहे हैं। चलिए मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ और दिखाता हूँ, मैं मिलवा तो नहीं पाऊँगा लेकिन आपको दिखाता हूँ वो कौन है। गाइस देखिए ये हमारे क्या अंकल है और ये वो अंकल है जो हमें फ्री एंट्री करवा रहे हैं। देखिए देखिए हमारी कोई फीस नहीं लग रही। गाइस कितना अच्छा लग रहा है यार, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये है आपका जूनागढ़ फोर्ट। तो गाइस हमारी एंट्री हो चुकी है, हम जा रहे हैं अंदर। उस नज़ारे तो सर हमें अंदर लेके जा रहे हैं। तो गाइस ये चढ़ाई, वाओ वेलकम टू जूनागढ़ फोर्ट। तो गाइस देखिए खूबसूरत नज़ारे जूनागढ़ फोर्ट के। ये अभी एंट्री है,
अभी अभी इससे अंदर भी जाएंगे और आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारे दिखाएंगे। अभी यहाँ पे थोड़ी देर में वेट करने को बोला है तो थोड़ी देर वेट करते हैं और फिर चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको फोर्ट के नज़ारे। तो गाइस एंट्री करते हैं अंदर, आइए वेलकम टू जूनागढ़ फोर्ट। हाय मिलकर ये महल बनाए थे और 16 राजाओं का महल आप देख रहे हो। आप देख रहे हो इसके अंदर ये लाल पत्थर दिया हुआ लोकल स्टोन। दुलमेरा गांव है, 80-60 किलोमीटर दूर है दुलमेरा। वहाँ से लेके आते हाथी ऊपर नौकर स्टोन लाल पत्थर, पूरे किले के अंदर लाल पत्थर है, लाल पत्थरों से ये किला बना हुआ है। और तो ये वाइट वाइट रोशनी के लिए, अच्छा। लाइट 1914 में आई थी, यहाँ लाइट नहीं थी, ये 1488 का है तो रोशनी के लिए वाइट है। ब्लू टाइल 150 साल पुरानी चाइना हॉलैंड की, यहाँ राजा होड़ी खेलते थे, ये होड़ी ओद है और रानियाँ ऊपर झरोकों से रानियाँ देखती थी, रानियाँ ऊपर झरोकों से रानियाँ देखती थी। यहाँ नाच गाने डांस का प्रोग्राम, ये किला राजाओं का खुद गया है, गवर्नमेंट का नहीं, इसमें गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है, ये प्राइवेट ट्रस्ट है। अभी दो लड़की और महारानी मौजूद है, इस किले के मालिक है तो ये किला उन्हीं का, वो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है लालगढ़ प्रेस स्मारक। तो ये है करण महल, आइए गाइस करण महल में आपका स्वागत है। ये राजतिलक महल है, करणी सिंह जी का जो राजा बनता है, यह राजतिलक होता था, चांदी का थ्रोन सिंहासन चांदी का और लकड़ी का पंखा छत के ऊपर, लाल कपड़े वो पंखे होते थे, वो करवा देता राजा को, शीशे के अंदर गोल्ड लगा रहता है सोना, ये गोल्ड है। ये राजतिलक महल है 1631 का, 1631 में बना था जो राजा बनता, यहाँ राजतिलक होता था। ये राजतिलक महल करणी सिंह जी का 1631, आइए गाइस और जानकारी देते हैं। नीचे टाइल देख रहे हो आप, गंगा सिंह जी 1914 में इटली से लाए थे, इटली की टाइल 1914 में। अच्छा 1914 की इटली की टाइल है। सामने अच्छा। दीवाने खास सोने का महल अनूप सिंह जी का, वहाँ राजा बैठते थे और लेडीज ऊपर झरोकों में रानियाँ ऊपर। आप झाड़ देखेंगे 150 साल पुराना झाड़, कबूतर कचरा अंदर नहीं है, वो झाड़ 150 साल पुराना झाड़ है। पहले आपको दिखाते हैं 27 किलो की तलवार, 27 किलो की तलवार। तो गाइस आइए आपको दिखाई जाएगी 27 किलो की तलवार राजा महाराजों के टाइम की। ये है राय निवास, ये 27 किलो की तलवार पद्म सिंह जी की, इससे एक्सरसाइज करते थे राजा, ये एक्सरसाइज में काम आती थी 27 किलो की तलवार। ये पद्म सिंह जी 27 किलो गाइस, ये 27 किलो की तलवार है जो राजा पद्म सिंह जी इसे इस्तेमाल करते थे। अकबर की तो यहाँ के यहाँ बहुत इंग्लैंड के, और ये है राजा चौर महाराजा राय सिंह जी की छड़ी, आप देख रहे हो छड़ी की, राय सिंह जी राजा की लंबाई 7 फुट से ज्यादा, ये राय सिंह जी राजा की छड़ी यहाँ तक है। स्ट्रेट सिमर अलग अलग राजाओं के राज्य चिन्ह, जैसे राजा की सवारी निकलेगी तो ये एक ले के चलेंगे तो पता पड़ता है पब्लिक को राजा की सवारी आ गई, तो ये राजाओं का स्टेट सिमर। अब सबसे सुंदर में देखेंगे सोने का महल, तो गाइस आपको दिखाते हैं सोने का महल।
तो गाइस ये है सोने का महल, सबसे सुंदर महल दीवाने का। वाओ ब्यूटीफुल। तो गाइस 80 किलो सोना, 80 किलोग्राम गोल्ड लगा रखा है, 80 किलो सोना है। और नीचे कारपेट देख रहे हो, 150 साल पुराना कारपेट, ये कारपेट 150 साल पुराना है। सबसे सुंदर महल दीवाने का, सोने का महल, 80 किलो सोना। इसमें बेल्जियम के गिलास, इसके अंदर गिलास बेल्जियम के। ये अखरोट की गेट है, कश्मीरी अखरोट, अखरोट के लकड़ी के गेट, अखरोट के लकड़ी के गेट है। हाँ जी। वाह, ये सबसे सुंदर महल दीवाने का, सोने का महल। आप लोग इसकी फोटोग्राफी कर। तो गाइस ये अखरोट की लकड़ी का पेड़ है, इसका आर्किटेक्चर देखिए आज के टाइम में कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और गाइस ये पीछे जो महल है, ये 80 किलो गोल्ड से तैयार, पीछे 80 किलो गोल्ड लगा हुआ है इस महल में। इमेजिन कर सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा होगा। ये मैं आपको कैमरे से जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप देख सकते हैं। तो गाइस अब हम देखेंगे बादल महल, वही आपको ले चलते हैं सामने बादल महल। बादल महल बनाया था बच्चों के लिए, पहले अपने बारिश नहीं होती थी, बारिश की बहुत कमी थी राजस्थान में, बरसात बहुत कम होती थी। तो ये सरदार सिंह जी ने बादल महल बनाया था। आप चारों तरफ देखेंगे बिजली है और बादल है और बारिश, बच्चे लोग इनको देख के खुश होते हैं, भी बारिश हो रही है, बारिश की बहुत कमी थी। ये वाटर कूलर है, उस टाइम का वाटर कूलर, इसमें पानी डालते थे और इसको खोलते बीच में से पानी आता था। पहली बार देखा है फूलने से यहाँ से पानी आता था पहले। पूरा बीकानेर दिख रहा है यहाँ से व्यू। तो गाइस यहाँ से पूरा बीकानेर देख, सामने व्हाइट गेट देख रहे हो, वो सफेद गेट, छापा खाना, पेंटिंग प्रेस, यहाँ तोप खाना, इधर घोड़शाला, हाथी, घोड़े, कैमल, यहाँ रहते थे। शिव जी का मंदिर है, इस गार्डन का नाम है शिव गार्डन। अच्छा, तो यहाँ अभी कोई पूजा नहीं करता? सुबह शाम होती है पूजा मंदिर की, तो सुबह होती है पूजा, आते हैं पुजारी। इस किले के अंदर बहुत मंदिर है, 33 करोड़ देवी देवता मिलते हैं। कहाँ पे? अंदर। कितना पुराना शिवलिंग है? ये किला बना उसी टाइम का, 600 साल पुराना हो गया, 530 साल। तो गाइस ये देखिए सामने जो मंदिर है शिव, यहाँ राजा महाराजा पूजा पाठ किया करते थे। ये 535 साल पुराना मंदिर है, आपको दिखाया जाएगा राजा और रानी का बेडरूम। यहाँ आप देखेंगे कृष्ण भगवान का झूला, इससे रानियां जन्माष्टमी मनाती थी जन्माष्टमी के लिए। कृष्ण भगवान का झूला है, साइड में आप देख रहे हो छोटी छोटी खोपे जो कठपुतले ऐसे हिलती थी झूला देने के बाद। अच्छा, ये खोपे, ये सब झूला देते थे, झूला देने के बाद ये ऐसे हिलती थी। तो गाइस ये झूला जैसे चलता है तो ये सब हिलती थी, ये जो गुड़िया लगी हुई है इसके तार, तार से कनेक्ट, अंदर से तार दिया, ब्यूटीफुल। तो झूला देने के बाद ये ऐसे हिलती थी, ये कृष्ण भगवान का झूला, इससे रानिया जन्माष्टमी मनाती थी जन्माष्टमी के लिए। तो गाइस ये है रानी का बेडरूम, शीश महल, ये शीश महल है रानी का। हाथी दांत के पाए हैं बेल्ट के, ये हाथी दांत के हैं। अच्छा। बेल्जियम के गिलास, ये रानी का शीश महल है और अटैच में राजा का। तो गाइस ये हाथी के दांत के बने हुए हैं, पाए हाथी दांत के। वाओ, ये हाथी के दांत के बने हुए गाइस पाए। और उसी टाइम का ये बेडरूम, शीशे के अंदर बेल्जियम के गिलास, बेल्जियम के गिलास के अंदर सोने की पॉलिश। वाओ ब्यूटीफुल। ये शीश महल है राजा का, अंदर आप देख के राजा का, ये रानी के और अटैच में राजा। तो गाइस ये है राजा का बेडरूम, और ये आपको दिखाते हैं। तो गाइस ये है नूरनगर का किला, आप देख सकते हैं 535 साल पहले क्या माहौल और कैसा आर्किटेक्चर था यहाँ। वाओ,
कितना प्यारा ब्यूटीफुल डिजाइन तैयार हुआ है। गंगा सिंह जी के बड़े भाई डूंगर सिंह जी, उन्हीं का मेल आप देख रहे हो। डूंगर सिंह जी का डूंगर निवास 250 साल पुराना इसके अंदर दोबारा काम नहीं रहा। जर्जियम की गिलास लगा रखे, पहले लाइट नहीं थी, लाइट 1914 में आई थी। साधन होते थे गीते लाल के दीपक जगाते, तो दीपक से रोशनी। छत लकड़ी की है, पूरे किले के अंदर लकड़ी की छत है। सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडी। 1914 में बिजली आई थी, 1914 में लिफ्ट आ गई थी अपने राजस्थान में, पहली लिफ्ट आई थी 1914 में। इंग्लैंड से लाइट का, अच्छा इंग्लैंड की लिफ्ट भी है। वाओ, तो गाइस 1914 की इंग्लैंड से लाई हुई लिफ्ट है ये पहली लिफ्ट है, इतिहास की पहली लिफ्ट है ये, राजस्थान की पहली, राजस्थान के इतिहास में ये पहली लिफ्ट है 1914 में लाई गई इंग्लैंड से। रानियां देखा करती हैं आम दरबार। अच्छा, यहाँ से रानियां आम दरबार देखा करती थी। इसमें एरोप्लेन है, नीचे जाके बताएंगे आपको, नीचे चलेंगे। आम दरबार था राधा का, तो लेडीज यहाँ रानियां देखा करती हैं। यहाँ पर रानियां देखा करती थी दरबार में, नीचे क्या हो रहा है, सिर्फ इतनी जाली लगाई गई थी देखने के लिए। ये आपने पीछे देखा, अरे कंप्लीट, हाँ यहाँ कंप्लीट हुआ, यहाँ पर 1937 में ये कंप्लीट हुआ था किला, तो ये 1937 के नजारे हैं लेटेस्ट नया। सबसे लास्ट में जो है एंड में, सबसे आखिरी में जो तैयार हुआ था किला, ये वो पार्ट है किले का जी। जर्मन से लाया था राजा धन मशीन, ये जर्मन की है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मशीन का। वाओ, ये बाला इतनी बड़ी हो गई, बोलो खेलने के लिए बाले बड़े हैं, बाला तलवार, बोलो सूरा ठाकुर सूरा। बारूद भरते थे गन पाउच, बारूद 50 किलो की बंदूक, ये गन्ने की खाल के ढाल बने हुए है, राइनो की ढाल गेंडा, राइनो की ढाल के ढाल है,1914 का इंग्लैंड का पंखा है जो आप देख रहे हैं गाइस, पंखा अभी भी चलते हैं, बंद है अभी, ये चालू है गर्मी में चालू करते हैं इसको। यहाँ आप देखेंगे दो बंदूक सर, ये एक इधर है और एक इधर है, यहाँ से लेके यहाँ तक गाइस इतनी लंबी बंदूक देख सकते हैं, ये पूरी यहाँ से इतनी लंबी फुट लंबी। वो कहो था ना दूसरे पे खंदे पर रख के बंदूक चलाओ, ये बंदूक दूसरे पे खंदे पे रख के चलाने वाली 12 फुट लंबी 27 किलो की, इटली का मार्बल, ये इटली का और बेल्जियम के गिलास। ये ड्रेसिंग रूम गंगा सिंह जी का, ये ड्रेसिंग रूम था, सामने गंगा सिंह जी की लड़की चांद कौर भाई सा, वो गंगा सिंह जी की लड़की चांद कौर भाई सा नाम भाई सा, ये गंगा सिंह जी खुद की तस्वीर देखेंगे आप गंगा सिंह जी की। ये हीटर कोयला हीटर गर्म करने के लिए, कोयला हीटर, अच्छा हीटर बने, ये आप देख रहे हैं। तो गाइस ये है दीवाने खास, देखिए कितना ब्यूटीफुल है, यहाँ पे आके अलग ही फीलिंग आ रही है। का थ्रोन 807 पुराना, 1212 का चंदन का। गाइस ये है 800 साल पुराना सैंडल का, 800 साल पुराना, 800 साल पुराना है 1212 का यार, राजा बैठते थे गाइस, 800 साल पुराना चंदन का बेड बना हुआ है। दीवाने खास कचहरी कोर्ट प्राइवेट राजा का और मंत्रियों का। अच्छा, ये 1923 में स्टार्ट हुआ था और 1937 में कंप्लीट, इसको 14 साल लगे थे, 14 साल से ये कमरा बन के चालू आता, 23 से 37 दीवाने खास, 32 फुट ऊंचाई इसकी, छत लकड़ी की,
प्राइवेट राजा का और मंत्रियों का। सामने आप लोग 56 किलो की ड्रेस लेके आएंगे, वो सामने तीनों मिला के 56 किलो की। राजा की ड्रेस से तो गाइस आपको दिखाते आओ 56 kg की राजा की ड्रेस। तो गाइस आप देख सकते हैं ये तीनों पार्ट 56 kg में मोटर मार जाते हैं। तो ये हमारे जो राजा थे ये उनकी ड्रेस है। गाइस आप देख सकते हैं 56 kg की ड्रेस कोई पहन सकता है? ये ड्रेस सेम वही है जो कटप्पा ने बाहुबली में पहनी थी शायद। बस बेटा मे बी यस यही है ना। ये गाइस वही ड्रेस है जो कटप्पा ने बाहुबली मूवी में पहनी थी, लेकिन फिर हमें यहाँ दिख गई, मुझे तो पता लग गया कि ड्रेस यही है। तो गाइस हाँ गाइस आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें, ये वो महल है जहाँ बहुत सी मूवीज की शूटिंग भी हुई है। तो गाइस ये यहाँ इस जो महल है इसमें बहुत सारी मूवी की शूटिंग भी होती है। जो पद्मावत मूवी है उसकी शूटिंग इसी महल में हुई थी, और भी बहुत सारी हिट्स मूवी हैं जिनकी शूटिंग यहीं पे हुई थी। तो गाइस एक ये रखा है, इसे आप खुजाने वाला मत समझना कमर को, ये जो है क्या है खुजाने वाली है। तो गाइस खुजाने वाले ये है सर जो ऑफिस होता है राजा महारानियों का, राजा राजाओं का जो ऑफिस होता है वो आपको दिखाया जाएगा। कपड़े सर ये ऑफिस राजा गंगा सिंह जी का, आर्मी की ड्रेस है, ब्रिटिश टाइम की बॉक्स है, फाइल है, दूरबीन, वो टेलीफोन इंटरकॉम, किले किले बात करने का टेलीफोन इंटरकॉम, सामने टेलीफोन इंटरकॉम, चैनल ये टेलीफोन था इंटरकॉम। सर गंगा सिंह जी की मूंछें बड़ी थी, मूंछ बड़ी थी राजा की, मूंछें बड़ी थी, सामने फोटो में देखेंगे आप। और तो मूंछ खराब होती थी, उन्होंने स्पेशल अपने लिए चांदी की चम्मच बनाई थी सौंप पीने के लिए, सौंप अंदर चलते और मुझे ऊपर। अच्छा चांदी की चम्मच ये चांदी की चम्मच भाई जी, वो चांदी की चम्मच है जिसे राजा सौंप पीते थे। हाँ उनकी मूछों पर नहीं लगती थी, गंगा सिंह जी सौंप पीते थे। शेर का शिकार किया था उन्होंने, शिकार उन्होंने 137 में शिकार करके लाया था राजा। यहाँ बहुत करते थे राजा, नंबर साल दो कुर्सियाँ अलग है, दो चार सेम ही है, रिपेयरिंग होती रहती है, साफ सफाई होती रहती है। यहाँ पे राजा महाराजा खाना खाते हैं, खाना होगा 90 साल पुरानी, 90 साल पुरानी है गाइस। आप देखेंगे 7 साल के राजा गंगा सिंह जी। अच्छा ये 7 साल की उम्र में राजा बने थे और 56 साल राज किया था। अच्छा 7 साल की उम्र में राजा बने थे गंगा सिंह जी। 1943 में खत्म हुए थे, 1943। अच्छा तो सबसे बढ़िया काम इन्होंने किया था। अच्छा पहले लाए थे ट्रेन, जोधपुर से बीकानेर ट्रेन आई थी, गंगा सिंह जी जोधपुर से बीकानेर ट्रेन लाए थे। अच्छा बाद में नहर आई थी, यहाँ पानी की बहुत कमी थी, पंजाब से गंगानगर इंदिरा गांधी अभी हुई है वो पहली इनकी थी। अच्छा इन्हीं के नाम से था। अच्छा वो नहर पे ये लेके आए पंजाब से गंगानगर तक लाए थे, गंग के नाल। अच्छा इन्हीं के नाम से, गंगा सिंह जी के नाम से वो गंग के नाल बोलते हैं। तो जो अब ये जो इंदिरा गांधी के नाल यहाँ है वो वही है ये वो जो ये लेके आए थे बाद में वो इंदिरा गांधी नाम से। ठीक है तो ये गंग के नाल गंगा सिंह जी लाए थे पंजाब से गंगानगर, पावर हाउस लाइट 1914 में लाइट लेके आए। 7 साल की उम्र में राजा बनया और 56 साल राज करियो 56 तक। 1943 में ये खत्म हो। ये कौन है? ये कौन है? गंगा सिंह जी, गंगा सिंह जी की लड़की चांद कौर बाई साहब। अच्छा और साधुर सिंह जी। अच्छा ये डूंगर सिंह जी, डूंगर सिंह जी के छोटे भाई गंगा सिंह जी। अच्छा आपकी पुरानी मूर्तियाँ लग रही हैं। ये हमारे नंदी जी, ये भी नंदी जी। हाँ दरबार राजा का और प्रजा का, आपको मैंने बोले थे रानियां, रोको से रानियां देखती थी। हाँ रानियां वहाँ देखती थी। हाँ आम दरबार यहाँ राजा बैठते थे और पब्लिक ऑडियंस और। अच्छा यहाँ राजा बैठा करते थे जी। ये सिंहासन राजा का, ये एरोप्लेन फर्स्ट क्लास है, इसका नाम है DH-90 हैवीलैंड। अच्छा DH-90 DE। अच्छा ये हैवीलैंड प्लेन में गिफ्ट मिला था गंगा सिंह जी को 1914 में इंग्लैंड। अच्छा इंग्लैंड दोनों गिफ्ट मिले।
वहाँ से ये बायसी पैद इधर इसको पाट करके अंदर ला के थोड़ी थी एक एक पीस। अच्छा, हैरानियों की पालकियाँ अलग अलग सर्दी की और गर्मी की। अच्छा, जाली वाली वो गर्मी के लिए, वो सर्दी के लिए। रानी की पालकी, ये हाथी का होदा, एलिफेंट सीट, हाथी की सीट। और यहाँ देखेंगे आप चीता टाइगर माउंट आबू से मार के लाए थे, ये लेपर्ड माउंट आबू से मार के लाए थे राजा। वो चांदी की पालकी, चांदी की पालकी होती है ये? चांदी की, चांदी की पालकी जी। अच्छा, चांदी का होदा, मेरी चांदी का चांदी की राजा की पान की इच्छा आदमी खा देते। हाथी का होदा, हाथी की सीट, एलिफेंट पकाओ देना, हाथी घोड़ा पाल की जय कने नाल की, नाल की राजा की, नाल की रानी की पाल की, ये रानी की पाल की चांदी की। अच्छा, आप बग्गी घोड़ा बग्गी इंग्लैंड से गिफ्ट मिली थी, इंग्लैंड की घोड़ा बग्गी जो इंग्लैंड से गिफ्ट मिली थी राजा को। हाथी की सीट, उसका फलान कैमल सीट, ये पाल की, ये गर्मी वाली है, ये गर्मी के लिए पाल की जो रानियों के लिए होती थी। और ये पालकी जो आगे है, ये सर्दियों की पालकी है, ये विंटर्स में रानियों के लिए इस्तेमाल होती थी। अच्छा, और दो तरीके की पालकी है। तो गाइस, भैया ने हमें पूरी फोर्ट पे घुमाया और सब कुछ बताया, आपको इसकी हिस्ट्री बताई। तो अब देखिए, वो ज़्यादा थक गई हैं और ये दोनों बैठे हैं। हम तो अभी, हमारे अंदर बहुत जाना है, अभी हमें बहुत कुछ घूमना है। मैं पूरी वीडियो का हम तो घोड़े, हम तो तैयार हैं घूमने फिरने के लिए। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें घुमाया। तो आपके ज़रिए हमारे जो लोग हैं यूट्यूब फैमिली, वो भी देखेगी इस फोर्ट को। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके साथ। ओके, टाटा बाय। तो गाइज, गाइस इनके अंदर आ गई है अंजुलिका। और बाप रे, ना 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 ना, अंजुलिका, अंजुलिका आ गई इनके अंदर। तू पानी डाल उनके ऊपर, पानी डाल। वो सच डाल रहा है सभी राजा राजा जो यहाँ पे हैं, अगर मुझे सुन रहे हैं, वैसे तो आपको कई साल हो गए। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपने ट्रेन बनाई और आपने पहला प्लेन जो आप लेके आए सामने रखा है। राजा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मुझे देख रहे हैं तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि मैं आपके महल पे कब्जा कर सकूं। आपके महल पे कब्जा नहीं कर दूंगा मां जी। आप जहाँ भी हैं कृपया मेरी आवाज को सुनिए, पधारिए। हम आपके हेलीकॉप्टर के पास खड़े हुए हैं और हम इसकी चाबी ना छोड़ गए हैं, घूमना है। हम इसमें बैठ के गाजियाबाद जाना चाहते हैं, प्लीज आप जल्दी करिए। हमें गाजियाबाद जाना है, हमारी ट्रेन छूट गई है। फिलहाल वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो इसलिए अभी हम वीडियो का एंड यहीं करते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्लीज़ ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप उस वीडियो को देख सकें सबसे पहले। ठीक है गाइज, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, बाय।